क्या बात है भाई, आज कुछ ज्यादा तैयार हो रहा है। अबे वो तो हर एपिसोड में तैयार होता हूँ मैं। नहीं नहीं, आज कुछ ज्यादा ही जुल्फे सवारी जा रही है। अरे मेरी जान, ये जुल्फे ही तो है जिस पर लड़कियाँ मरती हैं लटक के। ये लंबी लंबी जुल्फे, ये शानों पे पड़े बाल, ये मोटे मोटे गाल। अबे इतने लंबे बाल कहाँ से हो गए तेरे? अरे मेरे पाँव पे पाँव रख कर मुझे सजा देती है, मेरे पाँव पे पाँव रख कर मुझे सजा देती है, गिरेबान से पकड़ कर मुझे सीने से लगा लेती है। अरे बगले में लड़कियों की सिया जुल्फों की बात कर रहा हूँ। ये अल्फाज शायर लोग इस्तेमाल करते हैं। तेरे जैसे शायर होते उनके अपने बाल तो होते नहीं है और जुल्फों की बात कर रहे होते। ये तखयुल है शायर का। बेटा तेरी जुल्फे तखयुल में ही हो सकती है। अबे ऐसी भी कोई बात नहीं, अब तो कई तरीके बाल उगाने के। अबे तू आजमाता क्यों नहीं है? क्यों भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे ऐसे ही ठीक नहीं है मेरी जान, ये देख तेरे भाई ने बालों से कितनी लड़कियाँ फंसाई हैं। तू लड़कियों को बालों में दम नहीं घुटता? अबे हेयर स्टाइल से ये सर से फारिक लड़कों को लड़कियाँ घास तक नहीं डालती। अबे जा जा जा, मैं जैसा भी हूँ लड़कियाँ अभी भी मुझ पे लाइन मारती हैं। अबे तू कागज पे लड़की लिखकर पेंसिल से लाइन मारता है, झूठा झूठा झूठा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? अच्छा जरा याद कर, किस सदी में किस लड़की ने तुझे लुक करवाई थी? मैं असल में शरीफ आदमी हूँ। अरे मेरी जान, शरीफ नहीं तो फारिग है। मुझे देख, इस हफ्ते में 10वीं लड़की से डेट मारने जा रहा हूँ। ये कमाल है या कमीनगी है? दोनों, और इसकी वजह है मेरे निखरे सिया बाल। निखरे सिया बाल, वाकई यार सर पे जुल्फों की सख्त कमी है। कई महीने हो गए, बल्कि साल हो गए, किसी लड़की ने ताड़ के भी नहीं देखा। ये सब कुछ बालों की वजह से होता है? मुझे कुछ करना चाहिए। कोई आया, देखता हूँ। ओए, ओए, इस दरवाजे की वजह से हम तो जन्नती हो गए। क्यों? बस घूरे चली आती है। ओ थैंक यू। अरे आप आ गई है तो अब अंदर आ जाइए, चाय वाय पी लेते हैं। मैं चाय पीने नहीं आई। मैं सच्चा मुसलमान हूँ, इसके अलावा हमारे घर में कोई और पीने वाली चीज नहीं है। ओ, मुझे कुछ भी नहीं पीना। तो फिर कुछ खा ले, मैं बहुत अच्छा ख्याली पुलाव बनाता हूँ। ओ थैंक यू, लेकिन मैं कुछ बेचने के लिए आई हूँ। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। ज्यादा चाहिए भी नहीं। इतनी सखी है आप? सखी मैं नहीं, वो हैं जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये क्या कह रही है, मुझे चक्कर आ रहे, मैं गिर जाऊंगा। हम गिरने ही से तो बचाते हैं। अच्छा तो फिर गिरूं? ओ बाल गिरने से। बाल गिरने से? यही प्रोडक्ट तो लेके आई हूँ। आप इतनी देर से बालों के प्रोडक्ट की बात कर रही थी? जी हाँ, ये देखिए स्मार्ट शैम्पू। स्मार्ट शैम्पू? जी हाँ, इससे सर धोए गिरे हुए बाल वापस आ जाएंगे। और अगर इन्हें घर ना मिला तो? सर से बाल निकलेंगे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि कोनी से निकलेंगे। तो आप इंटरेस्टेड हैं? आप में? अरे शैम्पू में। कीमत क्या है? आप यकीनन शैम्पू की पूछ रहे हैं। जी जी, बहुत ही माशाल्लाह। सिर्फ 25,000। 25,000? जी हाँ, ये भी स्कीम के तहत 25% डिस्काउंट, वरना 50,000 का है। 50,000 का? जी हाँ, आजमाइए, असर ना हो तो पैसे वापस। ये लीजिए पूरे 25,000 रुपए। थैंक यू। ओए ओए, अब मैं ये शैम्पू लगाऊंगा, मेरे बाल आएंगे। अरे इनका बैग रखे। अरे सुनिए, आपका बैग। अरे अबे कहीं जा रहा है क्या? क्यों, बाहर टैक्सी खड़ी है। अबे तूने बैग लटकाया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे ये मामूली बैग नहीं है। तो इसमें खुदकश जैकेट है क्या? 10,00,000 है। 10,00,000? हाँ। जलील बदतमीज, अब तूने एटीएम मशीन तोड़ना भी शुरू कर दिया। अब तक तो तू उसमें कपड़े बदलता था। इसमें शैम्पू है। अबे इतनी रकम के साथ शैम्पू का क्या काम है बे? 10,00,000 के शैम्पू है। 10,00,000 के शैम्पू? हाँ। अबे इससे क्या गुना धुलते हैं क्या? अरे बाल आते हैं। कहाँ? सर में और कहाँ। क्या भट कर रहा है? एक सेल्स गर्ल आई थी बाल धोने। अबे शैम्पू बेचने 25,000 की बोतल बेच के गई है, ये देख। 25,000 की? अरे 25,000 रुपए की एक बोतल दे रही थी। और ये देख, इस बैग में कम से कम 1, 2, 3, अबे 20 बोतलें। और अब तुझे देगा ये बेचने के लिए? अबे भूल के चली गई। नहीं कर यार। हाँ? अबे इसको वापस कर बे। अबे नहीं, ये बोतलें हमारी तकदीर बदल देगी। मतलब? अबे लेबल बदल के बेचेंगे और 10,00,000 रुपए कमाएंगे। वाकई? अब तू जल्दी से इश्तिहार बना। इश्तिहार? अरे ये बेचना नहीं है। हाँ हाँ सोचते, आजा आ। फिर गंजा कभी ना होएगा, जो शैम्पू से सर धोएगा। जो इससे सर नहीं धोएगा वो सारी उम्र रोएगा। जी हाँ, कीमत कम फायदा ज्यादा, जुल्फ शैम्पू। 50,000 रुपए में उगाए लाखों बाल, जुल्फ शैम्पू। ये तो जबरदस्त हो गया यार। अब क्या करना है? इसे लोकल केबल पे चलाना है। अबे 20 बोतलों के लिए कितना इश्तेहार देगा? ये 20 नहीं 100 है। अच्छा, लेकिन तू तो 20 कह रहा था। अरे 20 तो असली है ना। क्या मतलब है? अरे आम शैम्पू की बोतलें इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा यानी चीटिंग? अरे मेरी जान, इस प्रोडक्ट में चीटिंग आम बात है। अरे तू मरवाएगा साथ मुझे भी। अरे कुछ नहीं होता, अब तू मोबाइल निकाल और आम शैम्पू का लिंक ढूंढ। मैं देखता हूँ, तू ढूंढ।
जी मैं गलती से अपना बैग भूल गई। बस में? यहाँ। ये बस तो नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने यहाँ रखा था अपना बैग। देख लें, कहीं नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जैसे आप देख रही हैं। जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने बैग यहीं रखा था। आप कहीं और रख के भूल गई हैं। जानते हैं उसमें 10 लाख के शैम्पू थे। पता है उसमें 20 बोतलें थी। क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि इतनी बोतलें होंगी। वैसे इतना परफेक्ट ख्याल कैसे हो सकता है? देखिए आप अपना बैग कहीं और भूल के आई हैं। देखिए मुझे मजबूर ना करें। मोहब्बत में? अरे पुलिस बुलाने पे। अरे पुलिस कैसे मोहब्बत करवा सकती है? मेरा बैग तो बरामद करवाएगी ना। फिर मोहब्बत कर लेंगी। बाहर में गई मोहब्बत, मेरा बैग मेरे हवाले करो। अरे बैग यहाँ होगा तो दूंगा ना। मैं तुम्हें अपने शैम्पू हजम नहीं करने दूंगी। ये खाने वाली चीज है, मतलब हड़प नहीं करने दूंगी। अरे आपको गलतफहमी हो रही है। अरे पीछे हटो, तुमने घर में ही कहीं छुपा के रखा, हटो पीछे। अरे क्या कर रहे हो, नहीं है आपका बैग यहाँ? अरे सुनो तो, तुम कौन हो? एक हैंडसम खूबसूरत लड़का, ज्यादातर लड़कियाँ यही कहती हैं। मेरा बैग कहाँ है? ये है शैम्पू वाली लड़की। अच्छा, जो इश्तिहार में आती है? मैं इश्तिहार वाली लड़की नहीं। अच्छा तो फिर कौन सी वाली है? मैं शैम्पू बेचती हूँ। बेहतर मैं, हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है, कोई अपना जमीर बेचता है, कोई अपना ईमान बेचता है, और गरीब आदमी सिर्फ अपनी इज्जत बेचता है। ये क्या चीज है? ये टीवी की कोई 12 सीरियल का रिजेक्ट एक्टर है। मेरी भला से, मुझे मेरा बैग चाहिए बस। अरे आपने तो सिर्फ एक शैम्पू बेचा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो ये वो है? मैं वो नहीं, बेशरम। नहीं, आप गलत समझ रही है, मेरा मतलब है कि जिसने शैम्पू की बोतल बेची है। हालांकि सही समझ रही है। और गलती से मैं अपना बैग यहीं भूल गई हूँ, और इसने गायब भी कर दिया है। अरे ये बहुत बड़ा जादूगर है, परसों मेरे पर्स से 5,000 रुपए गायब कर दिए इसने। यानी आधी चोर है। क्या बकवास कर रहा है, पिछले 6 माह से मैंने 5,000 का नोट ही नहीं देखा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बैग चाहिए बस। अरे सबको अपना बैग चाहिए। बताओ किधर है मेरा बैग? अरे आप अंदर आ गए तो ढूंढ ले। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। ना, पुलिस को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब बताता हूँ। क्या कर रहा है, क्या बताएगा? तुम चुप रहो, इसे बताने दो। बताओ बताओ। वो तुम्हारा जो बैग है, वो एक्चुअली बैग जो है वो बैग। ओहो, एक्टिंग ना करो, बताओ। नहीं वो क्या है, मैं वो ये कह रहा हूँ कि वो बैग यहाँ नहीं है। क्या? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल मत कीजिएगा, हम भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट देंगे। क्या रिपोर्ट दोगे? यही कि शैम्पू बेचने के बहाने घर से कीमती चीजें चुराती हो। मैं डरने वाली नहीं, सबर करो, अभी पुलिस का फोन लगाती हूँ, वैसे भी वो हॉल्ट पर ही है। हाँ हेलो पुलिस। अबे तो जल्दी गया, हमारी पुलिस फास्ट नहीं हो गई है? तू भी फास्ट जा। वैसे बात सुने, ये शैम्पू आपने खुद इस्तेमाल किया कभी? हाँ भाई, तू लड़कियों को धोखा देता है? आप एक्टर हो क्या? अरे मैंने बहुत कहा डायरेक्टर से कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दो। ओए मैं असली इंस्पेक्टर हूँ मैं। जाहिर है, अगर आप ये नहीं कहेंगे तो ड्रामा देखने वाले यकीन कैसे करेंगे। ओए यहाँ से शैम्पू से बड़ा बेगायब हुआ है। हाँ, अब इस पे भी टीवी ड्रामा बनेगा? और टीवी ड्रामे के बच्चे, मैं उसकी तफ्तीश करने आया हूँ इधर। तो आप एक्टर नहीं है? और तुझे कहा किसने कि मैं एक्टर हूँ? नहीं एक्चुअली क्या है कि आप ही की तरह एक एक्टर है जो 3 तलवार में पुलिस वाले का कैरेक्टर करता है, तो मैं समझा कि आप वही हैं। बैग कहाँ है? 3 तलवार में। अबे यहाँ से कहाँ है? यकीन करें सर, मुझे नहीं पता। वो लड़की तो कह रही है कि बैग तुम्हारे पास है। वो और है जी। वो कौन है? अरे मेरा दोस्त है गालिब, उसको शैम्पू बेचा है उसने। चल अंदर। देखिए मुझे अंदर नहीं भेजिए। अबे घर के अंदर का कह रहा हूँ। घर के अंदर? आई आई आई। सच सच बताओ बैग किसके पास है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। इसे पता है, लेकिन ये जो है ना, इसे बताने नहीं देता। नहीं नहीं, मैंने नहीं रोका इसे। ओए तू अगर रोक भी लेगा तो मुझे सच उगलवाना आता है, समझा? देखिए इन्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? पक्का चोर है ये। वाह, हम अपने घर बैठे बैठे चोर हो गए। जी नहीं, मैं बैग यहाँ भूल गई। अरे आप बताइए, कोई अपना कीमती बैग भूलेगा? वैसे बात तो इनकी भी कुछ समझ में आने वाली है। क्यों, लोग अपना कीमती सामान भूल नहीं जाते? अरे भाई कुछ शैम्पू ही थे ना उसके अंदर, तो जाने दो उस मसले को। वो 10 लाख के शैम्पू थे वो। अरे तो बाबा क्या तुम बैग में ट्रक भर के ले आई थी? एक शैम्पू 50,000 का था इंस्पेक्टर। 50,000? अरे भाई ये कौन सा शैम्पू है? अरे ये करामाती शैम्पू है, इसमें से जिन हाजिर होता है। भाई बकवास बंद कर, तफ्तीश हो रही है ये। इंस्पेक्टर साहब ये मेरा नुकसान कैसे पूरा करेंगे? 10 लाख तो मेरे पास नहीं है, अजाले के तौर पे मैं इससे शादी कर लेता हूँ। क्या? तो और क्या फांसी चढ़ जाऊँ? अरे वो तो तुझसे शादी नहीं करेगी, मेरी बात कुछ और है। बकवास बंद करो। और मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है कि बैग तुम दोनों ने ही गायब किया है। अरे यकीन कीजिए, हम ऐसे लोग नहीं है। तुम दोनों सीधी तरह बताते हो या मैं अपना रिवायती अंदाज अपनाऊं? बोलो। अरे आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? ओए सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं है। अबे 20 मिनट के एपिसोड में 10 मिनट तो इसके हो गए। हम सोचते हैं।
अरे मैं कह रहा हूँ अब भी वक्त है, बैग वापस कर दे। हरगिज नहीं। अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरे बैकग्राउंड की तो फिक्र कर। बैकग्राउंड? हाँ, जिसपे छितर पड़ेंगे। अरे सोच, हम 50 से 60 लाख रुपए कमा सकते हैं। अबे वैसे एक बात बोलूँ, छितर पड़ता बहुत जोर से है। मैं कुछ नहीं होगा यार। अबे क्या सोचा तुम लोगों ने फिर है? यही कि हम सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। ओए, इसका पूछ रहा हूँ। इसके साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ऐसे नहीं मानेंगे इंस्पेक्टर साहब। अरे अब ऐसी बात भी नहीं है, मैं कर लेता हूँ शादी, वरना मैं कर लूंगा। ओ बेशर्मो, मैं बैग का पूछ रहा हूँ। अरे बैग से कौन शादी करता है? ऐसे कमीने मुश्किल हालात में भी शादी का मार्जिन निकाल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इनकी शादी तो मैं निकालता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरे पास बैग नहीं है। अभी बैग निकल आएगा। मेरे पास बैग नहीं है, ये बैग नहीं निकालेगा मुझे। देखिए क्या कर रही है, जुल्म है और आप कर रही है जुल्म। और जो तुम कर रहे हो, ये पुलिस वाले के हाथ में तो स्टिक भी नहीं थी, मार किससे रहा? देखिए बाती, मेरा बैकग्राउंड बहुत छोटा है, मुझ पे रहम कीजिएगा। कौन सी बैकग्राउंड? अरे जिसमे डंडे पड़ रहे। तो बता दो फिर बैग कहाँ है? कसम से मुझे नहीं पता। बहुत जोर से मारा, ये मत पूछियो कहाँ मारा, पक्का रही हो? इसमें भी पक्का रहना। अब तुम इधर आओ। अब मेरे हाथ पे मार दो। वैसे आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, मार किस तरह? डंडे से। कहाँ है? अंदर। कमीने तूने मुझे बहुत पिटवाया है। अरे लाखों रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। अबे अगर ऐसे ही मिलते तो लानत है ऐसे लाखों पे भाई। ओए आई और इसको गाली नहीं देते। सुनो चूल्हा किधर है? क्यों चाय का मूड है? अबे नहीं, बैकग्राउंड पे टकोर करनी है। यार दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है। तो फिर चल डंडे तो खा लिए, कुछ और भी खा लेंगे। किधर जा रहे हो? टकोर करने। ये भी पहली किस्त है टकोर की, चित्रौल की, इसके बाद दूसरी किस्त शुरू होगी। अरे मेरी तो पहली किस्त पर ही बस हो गई। अब भी वक्त है, मेरा बैग मुझे वापस कर दो। एक किस्त के बाद तो कभी नहीं मिलेगा। बहुत ढीठ हो तुम लोग, लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं भी अपना बैग नहीं छोड़ूंगी। अरे बैग है ही नहीं। बैग इसी घर में, और मैं पूरे घर की तलाशी लूंगी। अबे ये कहीं वाकई ढूंढ ना ले यार। अबे यार कर दो। अरे हमारे पास बैग है ही नहीं। बैग यही है, पूरे घर की तलाशी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? शादी के अलावा अब तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। शट अप। अरे इससे ना सही, मुझसे कर ले। फिर इससे तलाक लगे, मुझसे कर लीजिएगा। कैसे बेशरम हो तुम लोग, मैं अभी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाती हूँ। ये फिर बैकग्राउंड का सत्यानाश करवाएगी। अरे एक बार फिटी लग चुकी, अब नहीं लगेगी। पक्का? पक्का। ओए कुछ तो इस पे रहम करो, इसका बैग वापस क्यों नहीं करते हो? आपने बगैर सर्च वारंट के हमारे घर की तलाशी लिए और अलग अलग ले जाके भी लिए। पहले हम इसकी दरख्वास्त देंगे। ओए ओए, वो तलाशी मैंने इसकी रिपोर्ट पे ली है। हाँ। अब हमारी रिपोर्ट पे कार्रवाई कीजिए। आपके खिलाफ? ओए मैंने अपनी ड्यूटी दी है। अरे हमारे बैकग्राउंड का साइज बढ़ गया। इनकी बातों में नहीं आना इंस्पेक्टर साहब। तुम खामोखां अपना घर तबाह कर रही हो शबाना। हाँ अगर मुझसे शादी हुई होती तो आज ये वक्त नहीं देखना पड़ता। एक तुम इन दोनों की शादी से बहुत परेशान। क्या इन दोनों ने दूसरे से शादी की हुई? वो मुझे शादी की ऑफर कर रहे हैं इंस्पेक्टर। अच्छा तुम्हें भी शादी की ऑफर कर रहे हैं ये? क्या मतलब तुम्हें भी? अरे हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई, हम लोग बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते हैं। लगता है मुझे मेरा बैग नहीं मिलेगा। ओए अब सुनो मेरी बात, या तो इसका बैग वापसी करो या फिर नुकसान पूरा करो। नुकसान? अब 10 लाख के शैम्पू थे, कुछ तो दोष बिचारी को। कुछ नहीं जी, मुझे सारे पैसे चाहिए। जैसे हम सारे दे रहे। ठीक है तुम तीनों थाने चलो, अब वहाँ ही पर्चा कटेगा। पर्चा? मजबूर हूँ, अब यही करना पड़ेगा, कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा तो फिर कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यही कोई 1-1.5 लाख। तो बाकी के पैसे क्या मेरा बाप पूरा करेगा? अब मेरा बाप तो है नहीं, और मेरा बाप भी फौत हो गया। चलो ठीक है, अब कम से कम आधा 5 तो उसको दो। हम सिर्फ 2 लाख दे सकते बस। चलो 3 लाख का बंदोबस्त करो। लेकिन बस बस बीबी, इसी पे डन करें आप। चलो भाई तुम लोग कचरा बंदोबस्त करो, चलो। अबे अबे खाली 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अरे करते हैं कुछ। ये आपने क्या किया इंस्पेक्टर, मैं इतना नुकसान कहाँ से पूरा करूँगी? देखो मैडम, उनके पास से अभी तक माल बरामद नहीं हुआ है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता अभी। आप पर्चा तो काटे। अरे बाबा किस बुनियाद पे काटूं? मेरा बैग इसी घर में है। अच्छा इसका क्या सबूत है, क्या वाकई बैग यहीं भूल गई है? मैं हल्फिया कहती हूँ। ओ मैडम, अदालत हल्फ के साथ सबूत भी मांगती है, जो मिल रहा है इसे सब्र और शुक्र करें बस। सारी जिंदगी गुजर जाएगी नुकसान पूरा करते करते। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए 3 लाख रुपए।
ये लीजिए मोहतरमा। अब इससे जहेज बनाना नहीं शुरू कर देना, मुझे जहेज का कोई लालच नहीं है। Shut up! लो, लड़कियों तो इस बात में माथा चुम लेती है और मेरा तो वैसे ही बहुत बड़ा माथा है। देखा आपने किस किस्म के वाहियात लोग हैं ये। चलो बीबी आपको 3 लाख मिल गए, नई जिंदगी का सफर शुरू करो अपना बस। अरे अब तो मान जाओ, उन्होंने भी कह दिया। ओए बकवास बंद कर, वो नहीं कह रहा। अरे इसे समझाइए, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, घरों में तो ये मामूल की बात है। जी तो चाहता है तुम्हें गोली मार दूं। दे जी से पिस्तौल, मार गोली। मोहतरमा अब आप जाइए और तुम लोग कान खोल के सुन लो कि अगर मुझे पता चला कि बैग इस घर में है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अरे अभी भी आपको शक है कि बैग हमारे पास है? बैग यही है। अरे बाबा आप जाइए, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। ये बस समझना कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, इस घर के दरो दीवार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ओपन योर माउथ। हा हा हा, जहन्नुम में जाओ तुम। तो इकट्ठे चलते। शट अप। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? जहन्नुम में? क्या नहीं जाना तो वही, नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा था, सॉरी सॉरी। अच्छा वो तुम्हारा पेचअप हो गया? अरे कहाँ जी, वो तो मानी नहीं। तुम तो वाकई कोई बहुत बड़े ढीठ आदमी हो यार। चल गालिब अब मार्केटिंग शुरू कर, जरूर देखिएगा बेचते हुए। अरे यार कहाँ से भेज दें 400 बोतलें? अरे हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है, बाद में पता कीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अरे ये तो दबा दब बिखरे। देखा बैकग्राउंड पे 4 छितर खाने से कितना फायदा हुआ है। अरे मैं तो कहता हूँ नजदीक के थाने से रोज 2-4 छितर खा के आया करेंगे। ये काम तूने करना है। अच्छा तो तू क्या करेगा? मार्केटिंग। वाह, बैठने से बेजार मैं हूँ और तू मुफ्त का खाएगा? अभी तो तू भी मुफ्त की छितर खाएगा, वहाँ कोई पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, वो तो बस मारते हैं। ये भैया ये चीटिंग है भाई। अरे लीड तो वही करता है ना जिसका आइडिया हो। अबे छितर खाने का कोई आइडिया नहीं लगता। ये तो तेरा आइडिया था ना। अबे बता तो तू रहा है ना। अरे भाई अभी तक तो इसी से बड़ी बरकत पड़ी है कारोबार में। हो सकता है कोई और हो सकता है, लेकिन अब ये सोच के मजीद शैम्पू कैसे बनेंगे? अबे उस कंपनी से खरीदेंगे और थोड़ी सी मिलावट करके आगे भेज देंगे। लेकिन मकामी थाने से भी मुकमुका करना पड़ेगा। हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है यार, ये थाने से मुकमुका करना पड़ेगा। एक काम कर, सारे शैम्पू बेच दिए, ये अपने लिए भी कुछ रखा है। वो तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया, ये देख। अरे तो फिर ट्राई करते। तू क्यों ट्राई करेगा, तेरे बाल तो है। अबे यार और घने हो जाएंगे ना यार। अच्छा तो तू भी सर धो ले। चलो फिर नहाने चलते नहर पे। अबे बाथरूम में। अबे क्या दोनों का इकट्ठे जाना जरूरी, क्या कर रहा है? हाँ जाहिर है अपने अपने बाथरूम में। आज तो नहाएंगे। ओए सलमान, सलमान तू किधर है? देख तेरे भाई के बाल आ गए, मोटा हो गया लाट। सलमान किधर है तू? अबे ये क्या हो गया, थाईलैंड की छचूदर? कभी नहीं है, सब तेरी वजह से हुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।